उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़ आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसो मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर पौड़ी से। उत्तराखंड में कई लोग ऐसे हैं जो अपना एक व्यवसाय कर वहाँ पर स्वरोजगार पर उदाहरण पेश कर रहे हैं। इन्हीं में एक हैं राम नारायण कपटियाल। लेकिन कल उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर सभी सन्न हैं। कल उनके गांव तकलाना कलजीखाल ब्लॉक में देर रात को घर में के नज़दीक बना बकरी बाड़ा में दो दर्जन बकरियों को एक तेंदुए ने मारकर ढेर कर दिया। राम नारायण जैसे ही बकरी खोलने बाड़े में गए तभी बकरियों को मृत देखकर उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। उन्होंने इस घटना की जानकारी तत्काल ग्राम सभा उर्मिला देवी को दी। उर्मिला देवी ने हमारे संवाददाता जगमोहन डांगी जी से तुरंत संपर्क किया और संवाददाता ने आपदा कक्ष पौड़ी M1 रेंजर अनिल भट्ट को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंची और वह मुआयना कर रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पशुपालक को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की और क्षेत्रीय विधायक ने भी काश्तकार के नुकसान पर दुख जताया और मुआवजा दिलवाने की बात कही है। वैसे मोटेन भी प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग करता है कि इस तरह के जो लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं और एकदम से इतना बड़ा नुकसान, अगर हम एक बकरी का भी 8-9 हज़ार का एवरेज लगाएं तो उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई या मुआवजा सरकार कर सकती है ताकि वहां से लोग प्लान ना करें और ऐसे लोगों का हौसला अब जाहिर करते रहे ताकि वह आगे इसमें अपना दिल छुटा ना करें। मैं राजस्व उपनिरीक्षक पश्चिम मनियार सुधो। मुझे आज सुबह राजेश ग्राम तकलना से सूचना मिली थी कि उनकी 7 बकरियां जब वो गौशाला गए तो मृत पाई गई। तो इस सूचना पे मैं राजस्व उपनिरीक्षक उनके ग्राम तकलना को मौके पे गया तो वहाँ पे देखा मैंने तो जो उनकी 7 बकरियां थी वो सारी की सारी काफ़ी बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं और राजेश जो कि ग्राम तकलना का काफ़ी गरीब व्यक्ति है और उसको काफ़ी नुकसान हुआ है इस चीज़ का। मैंने तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दे दी थी और मौके पे ही वो लोग कर्मचारी फॉरेस्ट गार्ड लोग मेरे साथ वहाँ पे पहुँच चुके थे तो उसकी कार्रवाई फॉरेस्ट विभाग द्वारा की जा रही है। और वो वास्तव में राजेश एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति है और गरीब भी है तो मुझे लगता है कि उसको इसका जो भी क्षतिपूर्ति है वो होनी चाहिए और उसके काफ़ी बड़ी बड़ी बकरियाँ उनकी और वो प्रजाति है जो वो बता रहे थे तोतापरी प्रजाति है कि वो काफ़ी महंगी प्रजाति है तो इसका भुगतान जरूरी होना चाहिए और बहुत बेकरीब। ये सारे गुलदार द्वारा बाघ द्वारा मारे गए? हाँ, ये राजेश द्वारा बताया गया है कि उनको संदेह है इस पे कि जो ये सारी मृत्यु हुई है ये गुलदार द्वारा हो सकती है, संदेह है उनको। तो अब ये फॉरेस्ट विभाग द्वारा जाँच के द्वारा ही पता चलेगा कि ये मृत्यु कैसे हुई है। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।